हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। इंग्लिश में मैं आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं हो पा रहे, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने हैं। इंग्लिश के मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट स्टार्ट किए हुए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में मैंने पहले जो कराया था वो आपको साइड कराया था। साइड से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट वर्ड आपके बनते हैं वो मैंने सारे एक ही वीडियो में कवर कर दिए थे। अगर आपने इंग्लिश और हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश और हिंदी की वीडियो देख सकते हो। हमने साइंस की वीडियो भी अपलोड कर रखी है और उसके साथ रीजनिंग की वीडियो भी अपलोड कर रखी है। करंट अफेयर और हरियाणा जीके की भी अपलोड कर रखी है। डेली आपको वीडियो दी जा रही है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए और डेली हमारी वीडियो सुनते रहिए। आज जो ये टॉपिक है ये फोबिया वाला टॉपिक है। फोबिया का मैंने फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया हुआ है। ये जो पार्ट है फोबिया का वो है पार्ट नंबर सेकंड। इस पार्ट के अंदर हम कुछ जो बचे हुए फोबिया है वो कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट वन देख लेना, उसके बाद ये पार्ट टू देखना। फोबिया का मतलब होता क्या है? फोबिया का मतलब डर होता है। किसी भी वर्ड के एंड में अगर हम फोबिया लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है किसी ना किसी चीज़ से डर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा वर्ड है वो है 29 नंबर, क्योंकि 28 तक मैंने आपको पहले करा दिए थे। तो 29 नंबर जो वर्ड है हमारा वो है रैट, कि फियर ऑफ रैट, कि रैट से अगर डर लगता है और उसको एक ही वर्ड में बताना है तो उसको क्या बोला जाता है? मूसोफोबिया। फोबिया का मतलब डर और मूसो का मतलब होता है रैट के लिए यूज़ करते हैं हम रूट वर्ड ये, तो रैट से डर को बोला जाता है मूसोफोबिया। नेक्स्ट है कॉकरेज। कॉकरेज से डर को बोला जाता है कैट सेरिडा फोबिया। ये वर्ड मैंने अपनी तरफ से नहीं लिए हैं, फोबिया के अंदर ये सारे के सारे वर्ड आपके इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग, कि अगर आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मतलब जैसे किसी बंदे को स्टेज के ऊपर बोलने से डर लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं या भीड़ में बोलने से डर लगता है, तो उस प्रकार का जो डर होता है उसको बोला जाता है ग्लूसोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ वॉशिंग क्लीनिंग एंड बाथिंग। देखिए यहाँ पे दो तरीके से वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, कि वॉशिंग क्लीनिंग और बाथिंग। कई बंदे ऐसे होते हैं जो बार बार हाथ धोने जाते हैं, मतलब उनको वहम हो जाता है कि उनके हाथ पे कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पे दो वर्ड निकलेंगे एब्ल्यूटोफोबिया और एक निकलेगा आपका एब्ल्यूटोमेनिया। तो दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। मेनिया मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ के लिए पागलपन, तो वहाँ रूट वर्ड यूज होता है मेनिया, और डर लगे तो वहाँ रूट वर्ड यूज होता है आपका फोबिया। तो याद रखना है एब्ल्यूटोफोबिया भी होता है और एब्ल्यूटोमेनिया भी होता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ ओपन प्लेस। मैंने क्लोज प्लेस का बताया था आपको क्लस्ट्रोफोबिया, वैसे ओपन प्लेस से डर लगे तो उसको बोलते हैं अगोरोफोबिया या फिर किनोफोबिया। दोनों वर्ड याद रखने हैं आपने। फियर ऑफ फ्लावर, अब यहाँ पे फियर भी होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पागलपन भी हो जाता है। कई बंदे ऐसे होते हैं जो अपने घर को ही गार्डन बना के रखते हैं, तो फ्लावर के लिए रूट वर्ड यूज़ होता है एंथो। एंथोफोबिया का मतलब होता है फ्लावर से डर, और एंथोमेनिया का मतलब होता है फ्लावर से बहुत ज़्यादा जिनको लगाव होता है, मतलब जो पागलपन की कैटेगरी में चला जाता है उसको बोलते हैं एंथोमेनिया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फियर ऑफ ह्यूमन या पीपल। ह्यूमन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो होता है एंथ्रो। एंथ्रो जो रूट वर्ड यूज होता है वो ह्यूमन, पीपल या मैनकाइंड के लिए यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि फियर ऑफ ह्यूमन या पीपल को क्या बोला जाता है? एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोमेनिया क्या हो जाएगा? जिनको पीपल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? जो पीपल के बारे में स्टडी करते हैं कि किसी भी बंदे का जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया वो लिया मोगली का। मोगली क्या जंगलों में रहता है, उसको इंसानों से डर लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फियर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं एंथ्रोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ बींग स्टेयर्ड एट, कि बींग स्टेयर्ड एट का मतलब होता है घूरे जाने का डर। जैसे कि आपको किसी बंदे को ऐसा वहम हो जाए कि हर वक्त कोई ना कोई उसको घूर रहे हैं, वहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑप्थल्मोफोबिया। ऑप्थल्मो यूज़ किया जाता है आइस के लिए। तो जैसे कई बार आप रास्ते में जा रहे हो, आँखों का कोई भी हॉस्पिटल है उसके ऊपर लिखा होता है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, तो आपको याद रखना है ऑप्थल्मो जो वर्ड होता है वो यूज होता है आइस के लिए। तो ऑप्थल्मोफोबिया हो जाएगा जिसको घूरे जाने से डर लगता है। अब इसके तीन वर्ड बनेंगे, यहाँ पे स्कोपोफोबिया भी बोल सकते हैं और स्कोप्टोफोबिया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ हीट एंड फायर, किसी को हीट और फायर से डर लगे उसको बोलते हैं पायरोफोबिया। ए मॉर्बिड फियर ऑफ पेन, ए मॉर्बिड फियर ऑफ पेन का मतलब होता है किसी को दर्द होने से डर लगता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी के माइंड में ट्यूमर है,
या किसी को पथरी है, उसको एक बार दर्द हो जाता है तो हर वक्त उसके माइंड में ये डर लगा रहता है कि वो इतना स्ट्रोंग पेन होता है कि वो डर उसके मन में बैठ जाता है कि उसको दोबारा कहीं ये दर्द ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेप्टोफोबिया, मतलब ये थोड़ा रिवर्स हो गया। यहाँ पे फियर ऑफ थिंग्स, मतलब चोरी होने से डर लगे कि चोरी होगी, उसको बोलते हैं क्लेप्टोफोबिया। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फियर ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग मतलब चलने से डर लगे, उसको बोलेंगे बेसिफोबिया या फिर एम्ब्युलोफोबिया। तो यहाँ पे चलने से किस प्रकार का डर होता है, जैसे कोई पैरालाइज हो जाता है तो उस बंदे के मन में डर बैठ जाता है और उसको थोड़े टाइम तक चलने से डर लगेगा अगर उसका पैरालाइज ठीक हो जाता है, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम फियर ऑफ वॉकिंग। तो उस प्रकार के डर को बोलते हैं बेसिफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है फियर ऑफ अग्लीनेस, मतलब किसी को गंदी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद होती, सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उसको बोलते हैं कैकोफोबिया। फियर ऑफ वर्क, मतलब जिसको काम करने से डर लगे उसको बोलते हैं इरेगोफोबिया। फियर ऑफ ईट, खाने से डर लगे उसको बोलते हैं फैगोफोबिया। फियर ऑफ मॉब, मॉब मतलब गुस्से वाली भीड़, उससे डर लगे, एक तो भीड़ होती है जिसको क्राउड बोलते हैं और एक होता है मॉब, मतलब जो एंग्री वाली भीड़ होती है, गुस्से वाली भीड़ होती है उसको बोलते हैं मॉब। तो उसको बोल उससे जो डर होता है उसको बोला जाता है ओक्लोफोबिया। फियर ऑफ सी, फियर ऑफ सी का मतलब होता है थैल्सोफोबिया, मतलब समुद्र से जिसको डर लगे उसको बोलेंगे थैल्सोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ लार्ज थिंग, लास्ट थिंग्स से डर लगे, मतलब उसको बड़ी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद होगी, छोटी छोटी चीज़ें पसंद होगी, तो उससे जो डर होता है उस डर को बोला जाता है हमारा यहाँ पे मेगालोफोबिया। और फियर ऑफ स्मॉल थिंग को बोला जाता है माइक्रोफोबिया। आपने ये वर्ड सुना भी होगा माइक्रो, बहुत बार, बहुत कम, मैंने सारे के सारे वर्ड एक साथ इंक्लूड कर लिए। जिसको वीडियो सुननी हो वो सुन सकते हो, जिनको इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखने का तरीका यही है कि आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में करते रहिए, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप जो ये वर्ड्स सीख रहे हो या जो ये वर्ड्स सुन रहे हो या जो हमसे आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग कोई अनएक्सपीरियंस टीचर नहीं है कि सिंपल यूट्यूब चैनल बना दिया और यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग कंप्यूटर की वीडियो चाहते हो तो आप लोगों को कंप्यूटर की वीडियो भी मिल जाएगी, यहाँ पे लगभग 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो आप एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है फियर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं कैलोफोबिया। फियर ऑफ बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, दाढ़ी से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं पोगोनोफोबिया। और लास्ट जो वर्ड है हमारा फियर ऑफ गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ आने से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं यूफोबिया। तो मैंने टोटल यहाँ पे 50 फोबियाज कंप्लीट की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे जितनी वीडियो अपलोड हो रही है आप लोगों के लिए अपलोड हो रही है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अपलोड हो रही है। वैसे तो देखो इंग्लिश में जो ये वर्ड्स होते हैं, आपने हिंदी में एक टॉपिक सुना होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उनका कोई एंड नहीं होता, बहुत वर्ड्स होते हैं ये, फिर भी अपनी तरफ से हम ट्राई कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हम अपनी ऑफलाइन कोचिंग में करा रहे हैं वही सारी चीज़ें हम ऑनलाइन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर किया करो। हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वीडियो है उनको आप ज़रूर सुना करो। हरियाणा में सिर्फ क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो भी सुननी पड़ेगी सारी की सारी, ताकि आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हो। तो प्लीज़ जो भी सपोर्ट आप लोगों ने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।